साउंड सिस्टम हो गया, तो इनके चलते हैं कोरोना के बाद, देखते हैं कि प्राइस में जो है कितने ऊपर गए हैं या नीचे आए हैं, थोड़ा डिटेल लेते हैं अपना भाई को। वालेकुम अल्लाह भाई, क्या हाल है भैया? ठीक ठाक। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, हम आपके पास दोबारा हाजिर हुए क्योंकि हमारे कस्टमर जो व्यूअर्स हैं उनका डिमांड था कि हम आपसे नए रेट मालूम करें। कोरोना के बाद कभी रेट ऊपर गए हैं किसी चीज़ों के, किसी चीज़ों के कम हुए, तो इस हवाले से हम आपके पास आए ताकि आप हमें जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों के प्राइसेस बता दें, कि थोड़ा आइडिया भी दे दें कि प्राइसेस कम हुए हैं या ऊपर गए हैं, अगर ऊपर गए हैं तो कितना ऊपर हुए हैं, अगर कम हुए हैं तो कितना कम हुए हैं। भाई बात ये है कि कोरोना से पहले जो है ना, कोरोना से पहले जो रेट थे हमने वीडियो बनाई थी उसमें अलग रेट थे, अभी कोरोना के बाद जो ये हालत है जिस तरह माल आ रहा है ना बहुत मुश्किलात से आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी कहने का मतलब ये है कि अब एम्पलीफायर ऐसे हैं, पहले इनके रेट हमने अलग बताए थे, सही है ठीक है, इनमें ऐसे थे कि मैंने इनको 7 भी बोले हैं, 10 भी बोले हैं, 12 भी बोले हैं, अब इसमें ये एक एक एम्पलीफायर की कीमत में 3-4 हजार रुपए का फर्क आया। अच्छा, अब इसमें ये एम्पलीफायर है ये मतलब 300 वाट का है, ये कम से कम भी अभी इस वक्त 12.5 का जो है ना इसके रेट है। अच्छा, ये एम्पलीफायर है ये 15 से 16 हजार का है। अब इसके अलावा जैसे क्या क्वालिटी भी बताया, क्वालिटी वाट का है इस कंपनी का, अब ये 310 वाट है, सही है, ये मरांस कंपनी का है, इसमें सराउंड सेंटर बूफर सब लगता है, इसको 551 कहते हैं। अच्छा, इसमें एक होते हैं HDMI, कोई यामा के होते हैं, ये 230 वाट के होते हैं, सही है, ये HDMI होते हैं, HDMI की वजह से इनके रेट ज्यादा होते हैं, ये कम से कम भी पड़ेगा 216 हजार का। इसी तरह आप जैसे कि छोटे एम्पलीफायरों के हैं, छोटे एम्पलीफायर जो है ना वो इस वक्त 6.5 से 7 हजार 8 हजार तक के हैं। अच्छा, उसमें भी वाट का फर्क होता है, उसमें ऐसे होते हैं अगर वाट ज्यादा होंगे तो उसकी ज्यादा रेट होंगे, क्योंकि हमें मिलते भी इस रेट पे ज्यादा रेट में। जहाँ तक स्पीकर की बात है, स्पीकर भी ऐसे हैं कि 8 इंच की जोड़ी इस वक्त जो है ना 8 इंच की जोड़ी 9.5 से 10 हजार रुपए तक है। अच्छा, और 10 इंच की जोड़ी जो है ना वो आपको कम से कम भी, कम से कम अगर मतलब मार्केट जैसे अपने कस्टमर के साथ कंसेशन कर भी लेना तो ये आपको 10 इंच की जोड़ी 16 से 17 हजार तक की पड़ेगी, क्योंकि कोरोना के बाद जो रेट बढ़े हैं जिस तरह ये अभी ये तो इम्पोर्टेड माल है, ये तो आते हैं बाहर से। अच्छा, तो ये बाहर से आने में ये सारे डॉलर पे होते हैं, डॉलर पे वहाँ पे होते हैं, तो जितने इसके ऊपर वहाँ पे रेट बढ़ते हैं यहाँ पे भी रेट बढ़ेंगे, लाजमी सी बात है। अब ये माल बड़ी मुश्किल से आएगा, आप लोगों को पता है कि कोरोना के बाद जो हालात थे ना हर चीज में मतलब 19-20 ज्यादा फर्क हुआ है, सही है, सबने ज्यादा फर्क हुआ है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप से गुजारिश करते हैं, आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दें और हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर नए व्यूअर्स हैं तो उनके लिए हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं भाई से। अच्छा भाई, कोई हमारा नया व्यूअर भी हो सकता है तो उनके मालूमात के लिए बताएं कि ये जो सारे सिस्टम पड़े हुए हैं, एम्पलीफायर वगैरह पड़े हुए हैं, ये 220 वोल्ट पे चलते हैं या 110 वोल्ट पे? 110 जापान की जो कंपनी है वो 110 होते हैं। अच्छा, 110 का मकसद है 110। अब 110 ये होते हैं, उनके साथ कन्वर्टर लगता है एक छोटा सा। अच्छा, 110 जैसा होता है ना वो लगता है। सही। अगर 220 होगा तो वो फिर जापान के लिए नहीं बना होगा, या चाइना होगा या मलेशिया होगा। सही है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास जो एटम्स हैं वो सारे सारे जापान है, सारे 110 है। सही है। तो इनके साथ आप इनको कन्वर्टर देते हैं या उनको लेना पड़ता है? नहीं, कन्वर्टर ऐसे होते हैं कि अक्सर कस्टमर कहते हैं हम खुद लेते हैं, अक्सर के साथ अगर कोई बोलते हैं तो हम कन्वर्टर इस तरह का होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये 110 होता है,
ये इसको लाइट कम करके देता है। अगर हम इसकी लीड इसमें लगाते हैं ये लाइट कम, इसमें दूसरे भी आते हैं वो डेल्टा के खिलाते हैं, वो कॉपर होते हैं, सिल्वर है। अच्छा। ये थोड़े सस्ते रेट में मिलते हैं, वो थोड़े हैवी रेट पे। अच्छा, ये फिर इनको अलग से लेना पड़ता है? जी जी, ये कितने तक का पड़ जाते हैं इसमें? ये है कि ये वाले जो है ना 700-800 तक, वो जो कॉपर वाले हैं वो 1200-1400-1500 ये रेट होता है। अच्छा, वो यहाँ से इस मार्केट से मिल जाते हैं? जी, यहाँ से भी मिलेगा और कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो वहाँ से मिलेगा। अच्छा अच्छा, उसके साथ आप हमें ये बताएं कि ये जो साउंड सिस्टम है इनका इनपुट किस किस चीज से हो सकता है? सीडी प्लेयर से, यूएसबी से, या इनपुट? तो अगर एम होगा, एम्पलीफायर होगा, तो इनपुट आप किसी में भी दे सकते हो। अगर मिसाल के तौर पे आपको MP3 चलाने हैं, MD चलाने हैं, LCD चलानी है, LED चलानी है, इनपुट देना है, ये आपको साउंड देगा। अच्छा, इसमें आप चाहे मोबाइल में लीड लगाओ, लैपटॉप के लगाओ, टैबलेट के लगाओ, ये आपको साउंड देगा। इनपुट किसी के भी आ सकते हैं। अब इसमें अगर आप एक्स्ट्रा एम्पलीफायर लगाते हो, यानी कि आपने साउंड हाई फाई करना है, 4-5 स्पीकर लगा के फिर एम्पलीफायर आप डबल कर सकते हो, या तो अगर एम्पलीफायर डबल नहीं करते फिर इक्वलाइजर लगता है। इक्वलाइजर का मकसद ये होता है, ये छोटा पीस होता है, अगर आप इनके साथ लगाते हो इनसे थोड़ा सा साउंड बढ़ता है इनका। अच्छा, शार्पनेस, जनकार, बेस वगैरह ये बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे बाल दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये चीजें हम जैसे नाच के प्रोग्राम होते हैं या मस्जिद में जो इस्तेमाल होती है, जी जी, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकती है? मस्जिद में जो एम्पलीफायर लगा होता है, जो स्पीकर चलते हैं जिससे, उसके लिए जो नेट वाले स्पीकर हैं जिसमें अजान होती है, उसमें फिर आप एम लगा सकते हो। अच्छा, वो आते हैं इको वाले एम। अच्छा, वो भी हमारे पास आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो चीज हम नहीं रखते। अच्छा, अगर कोई कस्टमर मंगवाना चाहता है तो हम इसके लिए मंगवा सकते हैं। अच्छा, उसमें होते हैं इको वाले। अच्छा, वो हाई वार्ड के होते हैं, क्योंकि उसमें अजान के लिए होता है या मस्जिद के लिए। अगर मस्जिद को अंदर के यूज के लिए चाहिए तो फिर ये यूज हो सकते हैं। अंदर अजान के लिए चाहिए होंगे तो कोई बयान वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई मौलवी मजलिस वगैरह करता है, तकरीर करता है, उसके लिए ये वाले यूज हो सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो साथ में स्पीकर कौन से यूज होंगे? स्पीकर यही होगा, अगर छोटे छोटे लगाने तो ऐसे यूज हो जाएंगे। ऐसे वाले स्पीकर भी लगा सकते हैं मस्जिद के दीवारों में, ताकि पूरे मस्जिद में आवाज चला जाए। बिल्कुल लगा सकते। तो उसमें आप ये स्पीकर लगाएंगे, ये जापानी अगर लोगे तो ऐसे स्पीकर लगाएंगे, अगर चाइना के लगा तो छोटे स्पीकर लगा के देते हैं, जैसे ये छोटे हो गए। सही है, इसकी आवाज थोड़ी सी कम होगी, आवाज थोड़ी सी कम होगी। अच्छा, फिर इनमें माइक भी लग जाता है? डायरेक्ट माइक लग जाता है, माइक इनमें लग जाता है। तो इनमें तो ये अगर मस्जिद के लिए बंदा लेना चाहेगा तो इसमें से कौन सा वाला बेस्ट होता है और उसकी क्या प्राइस होगी? अब मस्जिद के लिए जैसे ये हो गया ना, ये सोनी का है, तो ये NAC का है। इसके अलावा ये पैनासोनिक है, ये अच्छा इंडिकेटर है। अब अगर मतलब साइज छोटा हो और आवाज बड़ी हो तो फिर वो ये होते हैं, ठीक है, इसमें माइक वगैरह होते हैं, ये पानियर के होते हैं। अच्छा, तो क्या क्या प्राइस है, ये कितने वाट के? ये 160 वाट का है, ये इस वक्त मतलब 10,500 का पड़ता है, इसको 4 चैनल के। अच्छा, 2 चैनल होगा वो IC वाले होते हैं, वो थोड़े नॉर्मल रेंज पे होते हैं। अच्छा, उसका कितना रेंज है? मतलब 5.5-6 पड़ेगा वो। सही है, ठीक है अब्दुल्ला भाई, थैंक यू, हमने आपसे अपडेट ले लिया है। और हम आपको भी कहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। यही गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये, जिन लोगों को शिकायत है मेरे भाई, वो बिल्कुल सामने आ गई है, कोई वाली बात नहीं है। जिसको भी जिससे मतलब कोई कंप्लेन वगैरह है, हम इसके लिए हाजिर है दोस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, किसी को भी कंप्लेन होगा तो वो इंशाल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट कर लेगा व्हाट्सएप पे, और हमारे वीडियो पे कमेंट भी करेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक है कि भाई किसी को भी अगर अब्दुल्ला भाई से अक्सर ऐसा होता है ना दोस्त, के ज्यादातर आप जो ज्यादातर लोग होते हैं वो तंग करने के लिए भी फोन करते हैं। अब ये होता है कि रात के 12 बजने के बाद तो फिर आपको पता है बंद ही होता है, लोग 3 बजे भी करते हैं, 4 बजे भी सुबह। अब ऐसे तो व्यूअर्स आपको रिक्वेस्ट है कि गुजारिश है कि अगर कहीं से कॉल करते हैं तो बिल्कुल टाइम पे कॉल करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब्दुल्ला भाई भी हमारी तरह घर जाते हैं, जाहिर सी बात है वो घर पे जाके सुकून करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रात को 2 बजे भी कॉल कर रहे हैं, 3 बजे भी नहीं, मुनासिब जो टाइमिंग है सुबह जो है 9-10-11 बजे जिसे दुकान खुलता है, 10-11 बजे से आप रात को 7-8-9 बजे तक जो है ना कॉल कर सकते हैं। बाकी उसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है फिर अब्दुल्ला भाई कॉल उठाएंगे भी नहीं, फिर आप ये कंप्लेन नहीं करिएगा कि भाई अब्दुल्ला भाई कॉल नहीं उठाते। ठीक है, तो दोस्तों अल्लाह हाफिज, और इसके साथ दोबारा हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।